press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi दोस्तों, अभी हमारा एक ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम खत्म हुआ है और इस वीडियो के साथ मैं उसके हाइलाइट्स आपको दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो हाइलाइट्स हैं ये आपको ऑडियो में मिलेंगे। ऑडियो में क्यों मिलेंगे? क्योंकि ऑब्वियस है यार, मेरा कोर्स ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन ही है, तो इसलिए आपको ऑडियो में मिलेगा। देखिए, शायद किसी काम आ जाए। किससे स्टार्ट करूं? मैं पहले स्टार्ट करता हूं, राजेश साहब से स्टार्ट करता हूं। राजेश साहब, आप स्टार्ट कीजिए। तो मुझे पहले अपना नाम बताइएगा, कहां रहते हैं ये बताइएगा, क्या काम करते हैं, कितने साल से मार्केट में है ये बता के फिर आप शुरू करें। ओके, ठीक है। मेरा नाम राजेश पवार है, अभी करंटली मैं बैंगलोर में रहता हूँ और मार्केट का एक्सपीरियंस बैंगलोर कर्नाटक में हूँ मैं, आउटर रिंग रोड हेन्नूर पे रहता हूँ। हेन्नूर में है क्या? अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं अभी बैंगलोर गया था। अच्छा, तो यहाँ मैं रहता हूँ। स्टॉक मार्केट में जुड़ा तो बहुत साल से हूँ मैं, लगभग 12 साल पहले से, क्योंकि मेरे सारे एमबीए के स्टूडेंट्स इसी फील्ड में थे, तो डीमेट अकाउंट वगैरह मैंने बहुत सारे ओपन किए किया। लेकिन आज से 13 साल पहले मेरे लाइफ में केवल दो ही वर्ड थे स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में, बाय और सेल। बस ये दो वर्ड के अलावा ना ही मैं कुछ जानता था ना ही मैं कुछ समझता था। जिस कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट मैंने एक डीमेट अकाउंट खोला था, वो मुझे बोलते थे बाई करो, मैं बाई करता था, वो बोले सेल करो, मैं सेल करता था, दैट्स इट। उसके अलावा मेरे पास एक भी वर्ड इस डिक्शनरी का नहीं था। तो उस समय मैंने लगभग एक साल ट्रेडिंग की, प्रॉफिट भी कमाया और लॉस भी किया, क्योंकि मुझे मार्जिन बहुत ज्यादा मिलता था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मार्जिन पे काम किया। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि मेरे पास टाइम भी कम हुआ, मेरा कंपनी चेंज हो गया और थोड़े कुछ लॉसेस भी आए, तो मैं वहां से हट गया। तो वो जर्नी मेरी 13 साल पहले स्टॉप हो गई। अब पिछले एक साल से वापस मैं इस मार्केट में एंट्री करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे और वापस इनकरेज उससे हुआ कुछ वीडियो से, जिसकी वजह से मैं ये जान गया कि इंट्राडे में पैसे नहीं बनते हैं। ये चीज समझने के लिए मुझे बहुत साल लग गए और ट्रेडिंग करने से भी पैसे बनते ये भी मुझे कुछ गारंटी थी नहीं। तो मैंने पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकरेजमेंट मिला कि हाँ थोड़े पैसे बनते, देन आई स्टार्टेड फॉर द ट्रेडिंग, कि मैंने ट्रेडिंग के बारे में सोचा और ट्रेडिंग में भी बहुत सारे कुछ वीडियो देखा, उसमें कुछ वीडियोस आपके थे, तो बहुत एक दो जगह छोटी मोटी ट्रेनिंग ली। मुझे ये चीज से बहुत ज्यादा नफरत थी कि जो इंसान इस फील्ड में है, ट्रेडिंग फील्ड में, अगर उस बंदे ने ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया तो उसने उसको सिखाने का कोई हक नहीं। ये मेरे दिल की इच्छा थी, तो मैंने एक दो जगह ट्राई किया, उन्होंने बस ट्रेनिंग से दे के पैसे कमाए और पैसे लूट लिए और मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, वो तो मैटर अलग हो गया। उसके बाद मैं आपके कुछ वीडियोस देखे और उससे मुझे ये इनकरेजमेंट मिला कि भाई बंदे के पास नॉलेज है, क्यों नहीं एक बार और ट्राई कर लेते, इन्होंने इतने लोगों ने लूटा है तो ये भी कुछ लूट लेंगे तो कोई बात नहीं। और आपने एकदम सही बोल रहा, मतलब ये फीलिंग नॉर्मली आती है। हां सही बात आती है। और जितने लोगों ने जो लूटा है वो बहुत ज्यादा लूटा है और ये तो कुछ भी नहीं लूट रहे, तो हमने सोचा कि और ये तो थोड़ा सा ही लूट रहे तो और लूटने में क्या फर्क पड़ रहा है, लूट लेते हैं। इसलिए मैंने ये ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन किया और जब मैंने ज्वाइन किया और पूरा कंप्लीट ये कोर्स किया तो मुझे ये फीलिंग आया है कि भाई जितने चार्जेस आप अपने ट्रेनिंग के लेते हो ये आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। इसी को अगर आप 25,000-50,000-40,000 लेते तो शायद मैं आपसे नहीं जुड़ता या और भी लोग नहीं जुड़ते। आपने इतने नॉमिनल चार्जेस में हम लोगों को इतना हिम्मत दिया है स्टॉक मार्केट में खड़ा होने के लिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप एक प्रकार से चैरिटी कर रहे हो। और जितना हमने सीखा है, अगर मैं एडवांस कोर्स ना भी करूं तो ये मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ दिन की ट्रेडिंग प्रैक्टिस से पैसा अर्न कर सकता हूं। इतना कॉन्फिडेंस मुझे आपसे आया है। और पहले मेरे थॉट्स जो थे आपके प्रति बहुत अलग थे कुछ वीडियोस देखने के बाद, लेकिन कुछ वीडियोस देखे और ज्यादा तो मुझे और अच्छा लगा कि नहीं भाई बंदा जेन्यून है। और मेरी जो तलाश थी उस बंदे की से सीखने की कि जो बंदा इंट्राडे या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से पैसा कमाता है मैं उसी से सीखूंगा, ना ही मैं किसी इंस्टीट्यूट वाले बंदे से सीखूंगा
और ना ही कोई ऐसे जो चिल्लरगिरी जो सिखाने बैठे उनसे सीखूंगा। तो मेरी तलाश आपके पास आने के बाद खत्म हो जाती है। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपने इतने कम पैसों में हम लोगों को इतना जबरदस्त नॉलेज दिया है कि मैं आपका क्या बोलूं, आपके पैर पुके, पैर छू बस के बस आपको बस बस धन्यवाद बस बस करूंगा। बस बस थैंक यू वेरी मच राजेश साहब। और अभी लाइफ बहुत ज्यादा है, बाकी है, आपको प्रैक्टिस करना है जो आपने सीखा है, और जो जो चीज मैंने लास्ट में बताई थी उस पर आप प्रैक्टिस करें, आप काफी ऊपर तक जाएंगे। और मेरे साथ ही हो, मैं आपको जबरदस्ती लेके जाऊंगा यार, ठीक है, आपको छोड़ने वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए यस कोई और, चलो मैं दीपाश्री मैडम के पास चलता हूँ। दीपाश्री मैडम अगर आप हैं तो आप बोल सकती हैं। यस सर, एक्चुअली मेरा पूरा नाम दीपश्री चौधरी है और मैं पुणे में रहती हूँ एंड मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ, अच्छा बार्कलेज। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि आईटी में मुझे काम करे लगभग 12-13 इयर्स हो गए, तो अभी मैं आईटी में एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी हूँ जहां से या तो मुझे निकाला जाएगा या तो मैं हेलो हाँ बोलिए बहन। तो क्या होता है ना आईटी में, जैसे आप एक बहुत ऊपर के लेवल पे पहुंच जाते हो ना, उस टाइम पे जॉब में टिके रहना थोड़ा डाइसी हो जाता है। तो मैं ऐसे ढूंढ रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि कल अगर जॉब भी चली जाए तो मैं कुछ कर पाऊं। तो एक 3-4 महीने, एक 2 साल पहले मेरी एक फ्रेंड ने, उसको भी यही सब परेशानी थी, तो उसने लैक्स ऑफ फीस जिसमें होती है वो क्लासेस ज्वाइन की है शेयर मार्केट की। उस टाइम पे पहली बार मुझे कुछ पता चला कि हाँ, स्टॉक मार्केट में इंसान पैसे कमा सकता है। आज तक मैंने कभी म्यूचुअल फंड में भी ऑप्ट नहीं किया था, जस्ट वो एक चार्ट देख के, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी जिंदगी में। तो फ्रेंड ने पैसे लगाए वहां पे, मतलब उसने वो क्लासेस किए, उसके बाद एवरी मंथ मैं उसको पूछती थी कि तुझे कुछ प्रॉफिट हुआ क्या। तो उसने इतना पैसा देने के बावजूद भी वो हमेशा यही बोलती थी, नहीं, तब तक स्टॉक मार्केट में आप 5-6 साल काम नहीं कर लेते हो, आप कुछ नहीं कमा सकते, तो मुझे लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं। इवन उसने मुझे अपना वो रिपोर्ट एंड सब दिखाया तो वो हमेशा लॉस में ही चलती रही। तो उस टाइम पे मैंने से पूछा उसको, 2-4 कंसेप्ट क्या होते हैं, शी सेड कि मैं हमेशा फ्यूचर में खेलती हूँ क्योंकि फायदा बहुत ज्यादा होता है, तो वो हमेशा फ्यूचर में खेलती रही एंड 2-4 बार फायदा हुआ, 10 बार लॉस हो गया। तो फिर मैंने सोचा यार, मैं स्टॉक मार्केट में नहीं जाऊंगी यार, ये इतना नुकसान है नहीं पैसे अपने पास निकालने के लिए और कहाँ से जाए। तो 3 महीने पहले मेरे ऑफिस में मैंने देखा मेरे बहुत सारे कलीग भी ये स्टॉक मार्केट का सब करते थे। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किया जिसमें रचना रानड़े करके एक लेडी है जो अपने वीडियो शेयर करती है। तो उसमें मैंने देखा था वो रचना रानड़े जो, उन्होंने बोनस एंड स्प्लिट के ऊपर बताया था कि कोई भी कंपनी बोनस शेयर करती है उसका क्या फायदा होता है, या कंपनी अच्छी कर पाती है या जो भी है। तो उसमें पहला नाम मैंने सुना था आरती इंडस्ट्रीज। उस टाइम पे पहली बार मैंने अपना जीरोधा का अकाउंट खुलवाया एंड मैंने आरती इंडस्ट्रीज को फॉलो करना शुरू किया। जैसे ही मुझे लगा अरे ये बंदी ने जो भी सिखाया कि हाँ ये स्टॉक स्प्लिट या बोनस दे दिया तो उसके बाद वो आगे जा सकता है, तो मुझे वो दिखा कि आरती इंडस्ट्रीज काफी अच्छा कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मुझे बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है वो भी नहीं पता था, मैं बस देखती रहती कि हाँ ये ऊपर जा रहा है, हाँ ये नीचे आ रहा है। तो आपको शायद विवेक देवांगन पता होंगे, आपके एडवांस क्लास में, हाँ, राइट, विवेक दीवान साहब, वो राइट 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 वो मेरे कलीग है। तो मैंने एक दिन उनको देखा ट्रेडिंग करते हुए ऑफिस में बैठ के, तो मैंने बोला सर आप में तो बड़ी हिम्मत है, ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो आप, और वो भी हाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे ना कि मोबाइल पे। तब उन्होंने बोला बैठो मैडम आप भी करोगे थोड़े दिनों बाद। तो मैंने देखा तो बहुत अच्छे से कर रहे थे, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि यार इनको इतना नॉलेज कैसे है। एंड फिर मुझे उन्होंने बताया कि मैंने संग्राम सर का क्लासेस किया, तब मैंने आपका नाम पहली बार सुना, मैंने कोई भी यूट्यूब नहीं देखा था, और उन्होंने जितना मुझे जेन्युइन रिव्यू दिया, और आज सर जब भी मैं आपका क्लासेस कर रही हूँ तो मैं, आप इमेजिन कर सकते हो कि आई एम लकी इनफ मुझे वो नाम मिला और मैं क्लासेस कर रही हूँ आपके। अदरवाइज मतलब मार्केट में मुझे
बुलिश और बेरिश का मीनिंग तक नहीं पता था, और उस लेवल से आखिर मुझे एक महीने में इतने लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं आज ट्रेडिंग कर सकती हूँ कॉन्फिडेंटली, वो भी मार्केट में हार्डली मैंने 2 महीने बिताए। तो सबसे पहले आप क्या करना मैडम कि आप जाके ना विवेक से आपको एक बार थैंक यू बोलना। हाँ सर, वो तो डेली बोल रही हूँ मैं। क्योंकि अगर मान लो वो नहीं होते तो फिर आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। तो और वो भी मेरे ख्याल से वो एडवांस टेक्निकल में है, ही इज देयर विद अस इन एडवांस टेक्निकल। यस यस, तो मैं सबसे वेट कर रही हूँ कि कब मैं एडवांस टेक्निकल में आऊँ और मैं कुछ और सीखूँ। और आई डोंट नो, ये बताया है कि आपको एक्सपीरियंस ही काफी अच्छा सिखा पाएगा, बाकी तो काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आई डोंट नो सर कि कितने दिन लगेंगे मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करने में। मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, बट मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस टेक्निकल में, आपकी जर्नी छोटी करूंगा ताकि ज्यादा समय ना जाए। चले, थैंक्स फॉर योर थैंक्स, थैंक यू वेरी मच रिपाशी जी अपने रिव्यू देने के लिए। चले, और कोई है क्या हमारे साथ? ममता जी अगर आप हैं तो आप भी बोल सकती हैं। पता नहीं ममता जी है या नहीं है। अच्छा, रोहित साहब आप हैं, आप चाहें तो आप भी बोल सकते हैं। मेरा नाम तो रोहित टुप्पो है, हम झारखंड से, झारखंड लोहरदगा, पर हम अपने हायर स्टडी ग्रेजुएशन के लिए रांची आए थे। अच्छा, तो हम, अच्छा पहले आपकी मतलब, एज बताइए, आपकी एज बताइए, मैं ना ये बताना चाहता हूँ लोगों को आपकी एज क्या है। इस मतलब इस ईयर मेरी एज 20 हो जाएगी। 20 हो जाएगी, सो मतलब इतनी छोटी उम्र में आप सीख रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत अच्छा, मतलब आपका भविष्य है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन जो इतनी छोटी उम्र में सीख रहा है। आप समझो अगर यहाँ से मान लो आपको 4 साल भी लग जाते हैं हाथ को अच्छे से साफ करने में, 24 की उम्र में आदमी अगर स्टॉक मार्केट को समझ गया और बंपर पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, यू हैव अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर माय फ्रेंड। हाँ, आगे बोलिए सर। तो बेसिकली मैं ग्रेजुएट कर रहा था, तो मैं सोच रहा था, हाँ मतलब कॉलेज तो मतलब 6 घंटे के लिए होती है, तो बाकी टाइम क्या कर रहा था मैं, कुछ पार्ट मतलब अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा था, मतलब पॉकेट मनी एक्स्ट्रा, मतलब जो घर से मिलता है तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जमा करता हूँ। ऐसे करते करते मैं शेयर मार्केट के बारे में जाना, तो फिर मैंने मतलब बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, वहाँ मुझे मतलब शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट, हाँ तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट किया शेयर मार्केट की तरफ। वैसे मतलब यूट्यूब से हम कुछ कुछ सीखते रहे, तो फिर एक दिन हम LTP लास्ट ट्रेड प्राइस सर्च किए, तो उसमें हमको आपका वीडियो मिला, तो वहाँ हम आपका वीडियो देखे, हमको समझ में आया, फिर आपका कोर्स के बारे में पता चला। तो मतलब मेरे लिए तो मतलब 4,000 मतलब उस टाइम जो था 500, वो तो मेरे लिए मतलब स्टूडेंट का लाइफ में मतलब ज़्यादा था, लेकिन मेरे लिए ठीक था, मतलब हमसे इतना कम हमको कहाँ सीखने को मिलेगा। तो फिर हमने आपका कोर्स ज्वाइन किया, तो फिर यहाँ मतलब मैं यहाँ कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ, ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, यहाँ से थोड़ा बहुत हम इनकम निकाल सकते हैं अपना। ओके, तो अच्छा, जब मतलब कोर्स जब स्टार्ट हुआ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि आपको ऐसा लग रहा था कि जब आपने कोर्स के लिए अप्लाई किया तो ये बंदा सच्ची में सिखा पाएगा नहीं, कुछ ऐसे कुछ ख्याल आपके दिमाग में कुछ ऐसे या नहीं थे, मतलब शुरू से ही आपको था कि बंदा सिखाई देगा मेरे को? सर मेरा तो मतलब ये मतलब हम ये सोचे थे 4,500 लग रहे हैं, दे ही देते हैं, सीखेंगे तो सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे, छोड़ो कुछ तो सीखेंगे, लेकिन नहीं तो डूब गया, चलो 4,500 ऐसे सोचे थे। आप नहीं सीखेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, सही बात, कुछ तो सीखेंगे, मतलब एक्सपीरियंस कुछ तो सीखोगे आप, यही सोच के हम ज्वाइन कर लिए इधर। चलो अभी कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा सीखने को मिला। हाँ सर, बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। दीपाश्री मैडम कुछ बोलना चाहती है, बोलिए मैडम। सर आपका सिखाने का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब सर सिखाने के तरीके पे भी होता है कि सामने वाले को समझ में आए या ना आए। जैसे आप एग्जांपल देके सिखाते हो, लिटरली मुझे एक एक कंसेप्ट वो एग्जांपल की वजह से याद है। जैसे कि आपने बोला था कि फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है, कोई टाइगर है वो 2 कदम पीछे आएगा और फिर छलांग मारेगा, या फिर बॉल है वो नीचे कैसे जाएगी, तो मैं अपने हस्बैंड को लिटरली सिखा रही थी, तो मैं यही एग्जांपल्स देके सिखा रही थी। हाँ, उन्होंने आज मुझे ऐसे सिखाया। तो मतलब आपका हस्बैंड, तो मतलब आपके हस्बैंड गुस्सा होगा, कहा यार ये आदमी मेरी बीवी को ये सब सिखा रहा है,
अब मुझे नहीं, उल्टा उनको उनको एक्चुअली पहले ऐसे लगा था, अरे यार तुम लोग ये सब एग्जांपल्स डिस्कस करते बैठे हो या तुम लोग कुछ सीखते भी हो वहां पे। उनका पहले स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा कुछ ये था, और जैसे आज ओके वो मुझे देखते हैं जब मैं ट्रेडिंग करती हूँ डेली बेसिस पे, थोड़ा थोड़ा 20 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी पर फिर भी, तो ही इज लाइक माई गुडनेस, ये कैसे कर पा रही हो अभी ये सब एग्जाम्पल्स लेके। मैंने बोला हाँ यही एग्जाम्पल्स लेके। सो स्वीट है फिर। चलिए फिर मैं आज का सेशन यही बंद करता हूँ। आप सबसे फिर अच्छा ममता जी है तो एक बार फिर से पूछ लेते हैं। ममता जी आप हैं तो एक बार आपसे भी बात कर लेते हैं, इफ एट ऑल यू आर देयर। मेरे ख्याल से शी इज नॉट देयर, या शायद उनका नेटवर्क का इश्यू होगा। तो यहीं पे इसको बंद करते हैं और फिर आगे मुलाकात होगी एडवांस टेक्निकल। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।